ये लेना, आप तो कुछ ले ही नहीं रही, अपने घर समझे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में आज दोपहर को जरा देर में खाना खाया था, इसलिए खाने पीने की हाजत नहीं हुई। आपने बच्चे को बुलवाया नहीं? हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। असल में वो बच्चों को ट्यूशन दे रही थी ना, मैं अभी बुलाती हूँ। साइमा, साइमा बेटा, मेहमान आए हैं। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, तीन फैमिलियों को भी बुला लो ना तो किचन में अकेले काम करती है, किसी को आने नहीं देती। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हो। आओ बेटा बैठो। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। भाई वैसे तो तुम्हारी माँ ने ना तुम्हारे मुताबिक हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन अब जब तुम्हें बुलवाया है तो कुछ थोड़ी बहुत बातचीत तो करना होगी ना। जी करें बात। जी बताओ क्या करती हो? मैं कुछ नहीं, घर पे होती हूँ। कितना पढ़ा है? इसने मैट्रिक किया है। कॉलेज घर से बहुत दूर था, इसलिए मैंने इसे घर बैठा लिया। हाँ, बच्चियों के साथ ऐसे मसले हो ही जाते हैं। साइमा बेटा देखो, कोई दरवाजे पे आया है। जी मैं देखती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। मेरी बेटी सादतमंद भी बहुत है। बस अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब। हर किसी को कम उम्र लड़की चाहिए, चाहे जाहिल हो, नकम्मी हो, पौड़ हो। एक हमारा जमाना था, लोग रिश्ता लेने आते थे तो सूरत तो देखते ही नहीं थे, ना उम्र देखते थे, बस लड़की सुगड़ हो, सीरत अच्छी हो, घर का मोरे खानादारी आती हो, कपड़े सीने आते हो। कमबख्त जाहिल, पता नहीं आजकल के लोगों को तो अक्लों पे मट्टी पड़ गई, कमबख्तों के। दिल सारा समंदर में छलांग लगा दो। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारा कोई जोड़ी ना बनाओ? तुम देखना, एक दिन तुम्हारी किस्मत ऐसे चमकेगी, ऐसे चमकेगी कि तुम देखती रह जाओगी। अम्मा क्या हुआ, साइमा पसंद आई आंटी को? तुम्हें दरवाजे में से झांक के सलाम पेश करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा था कि सफूरा खाला है, मुझे क्या पता था कि सफूरा खाला ने ही रिश्ता भेजा था। इतना अच्छा रिश्ता था। लड़का जो है वो शाहजहां में एक स्टोर पे काम करता है। अब जब रिश्ता हुआ नहीं तो क्या जरूरत है गुण गाने की? क्या करूं, दिल टूट जाता है जब कोई बड़ी के बदले तुम्हारे लिए कहता था। तो तुमने मना नहीं किया? नहीं अम्मा नहीं। देखो अम्मा अब देर मत करना, ये ना हो कि एक के चक्कर में दूसरी भी दहलीज पर ही धरी रह जाए। अगर उन्होंने रायमा को पसंद किया है तो पहले रायमा की शादी कर दो। नहीं, पहले तुम्हारी शादी होगी फिर मैं शादी करूंगी। देखो रायमा, पागलपन वाली बातें मत करो। अच्छे अच्छे रिश्ते रोज नहीं आते। बहुत अच्छा रिश्ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर मुझसे पहले तुम्हारी शादी हो जाए? समझाएं इसे मेरी बच्ची। हेलो जानी, कैसी हो? उस दिन तो पतली गली से ऐसे शॉर्ट हो गई जैसे जानती ना हो। बकवास मत करो, तुम्हारी दुकान पे रश था इसलिए मैं जानबूझ के वहाँ से नहीं गुजरी। हाय, कम से कम एक झलक तो दिखला जाती। ये बताओ तुम्हारी अम्मी गुजरात से आई कि नहीं आई? अरे अभी कहाँ, अभी तो मामू का 40वां करके आएंगी वो। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? आज फिर अम्मा को मेरी शादी का दौरा पड़ा है। तुम हाँ मत कह देना, समझी? मुझे नहीं पता, जल्दी से किसी को भेजो वरना मेरी अम्मा मेरी शादी करा देंगी और तुम हाथ मलते रह जाना। हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो। रात को आता हूँ तो फिर सुकून से बात करते हैं। अच्छा सुनो, जरा ध्यान से आना, उस दिन भी तुम्हें दीवार फैलाते किसी ने देख लिया था। हाँ हाँ, वो तो मैं उस दिन जल्दी आ गया था। आज मैं दुकान बंद करके आऊंगा, ठीक है? आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो कोई मेरा भी हौसला बढ़ाने का ना होता। अब तो अकेले ही हर दुख हर परेशानी अपने ऊपर सहनी पड़ती है, हर दुख झेलना पड़ता ताकि मेरी बच्चियों को कोई परेशानी ना हो। ये आप क्यों बता रही हैं मुझे? क्या हम नहीं जानती? खामखा हमारे लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी। कोई ऐसी भी उम्र नहीं थी आपकी, आराम से शादी हो सकती थी। कम उम्र से ज्यादा है कि बतूल कह रही थी कि उसकी भाई को कम उम्र लड़की का रिश्ता चाहिए। बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं रायमा की बात करूं। हालांकि मैं जानती हूं कि ये मुनासिब बात नहीं, लेकिन क्या करूं, जो भी रिश्ता आता है कम उम्र होने की वजह से रायमा कोई पसंद करता। आप रो क्यों रही हैं? मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि क्या फर्क पड़ता है, अब मेरी वजह से उसे अब बिठा तो नहीं देंगी ना। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मैं तो कहती हूँ कि कोई एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसके लिए हाँ करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सबर का फल मीठा देगा। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। अच्छा, ये रोना धोना छोड़ दें, ये बताएं कि लड़का कैसा है, क्या करता है। बतूल बता रही थी कि उसका भाई 7 साल से शारजाह में है। अच्छा, मगर तस्वीर क्यों नहीं लाई? मैंने बोला था, बोली कि भूल कर आ गई, अब जब आऊंगी ना फोन करके तो तस्वीर भी लेके आऊंगी। चलें, अच्छा है, तस्वीर भी देख लेंगे और फिर फैसला भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये रोना धोना छोड़ते हैं आप, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, रायमा को भी देखूँ पता नहीं कहाँ रह गई है, ठीक है। अब रोइएगा मत, चाय भी बना के लाती हूँ और रायमा को भी लाती हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे के नसीब अच्छे, मेरी बड़ी फरमाबरदार बच्ची, बड़ी नेक बख्त, कब जरूर तुझे देगा, जरूर देगा मेरी बच्ची, तुझे जरूर देगा। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? आज तो गली में खूब अंधेरा था, कोई टेंशन ही नहीं हुई। जरा जोर से बोलो, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। समझा करो, मैं जोर से नहीं बोल सकती हूँ। अम्मा बराबर वाले कमरे में लेटी होती हैं, अगर मैं जोर से बात करूंगी तो वो जाग जाएंगी। बैठे बिठाई की टेंशन दे दी है तुमने, और अगर इसी तरह खामोश रही ना तो फिर सचमुच तुम्हारी अम्मा ना तुम्हारी शादी कहीं और करवा देगी। तो अब क्या करूँ? तुम कम से कम अपने घर वालों के सामने मेरा जिक्र तो डालो। मैं सोच रही हूँ कि अपनी बड़ी बहन के कान में तुम्हारा नाम डाल दूँ। कमाल है, अगर बड़ी बहन है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, तुम ये राज उसे बता दो। वैसे राज की बात तो मैं किसी को भी नहीं बताती। अच्छा, और अगर सब कुछ राज ही रहेगा तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? शादी भी हो जाएगी। तुम्हारी अम्मा जैसे कराची आती हैं, उनको जल्दी मेरे घर भेजो, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, बस तुम दुआ करो कि सब लोग खैर खैरियत से, बस तुम दुआ करो कि सब लोग खैर खैरियत से यहाँ पर आ जाएं। आजकल ट्रेनों के हालात भी बहुत ही टाइट चल रहे हैं। अच्छा सुनो, वो साइमा उठ जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, हाथ तो मिला दो। रायमा, रायमा, क्या सो गई थी क्या? नहीं, वो मैं अभी नहा के निकली थी तो सोचा मैं अलमारी ठीक कर लूं। अलमारी? तुम्हें घर के कामों में कब से दिलचस्पी होने लगी भाई? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं घर के कोई काम ही नहीं करती। अब जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना और सारे काम सर पे पड़ेंगे तो पता चलेगा तुम्हें। शादी से मुझे याद आया, तुम आज अम्मा की हाँ में बहुत हाँ मिला रही थी। हाँ तो ठीक कर रही थी ना। तुम्हें अंदाजा है कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ कर दो, वरना मेरी तरह पछताओगी। मुझे तुम्हारे फजूल के लेक्चर नहीं सुनना, मुझे नहीं करनी शादी वादी। दिमाग चल गया तुम्हारा? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए चाय बना दो एक कप, प्लीज। अल्लाह कितनी फूल हो तुम, नाती हूँ चाय तुम्हारे लिए। कितनी वो स्वीट तो लाई है ना? लाई हूँ, टेंशन मत लो भाई, थोड़ी सी देर जरा दम तो ले लूँ, फिर दिखाती हूँ तस्वीर भी तुम्हें। अच्छा ठीक है, आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है ठीक है। ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये लीजिए मेरे भाई की तस्वीर। वाकई माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा। दरअसल ये मेरा सौतेला भाई है, मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन मैंने इसे पाला है और बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये जब छोटा था ना तो मुझे बिस्किट के इश्तेहार आते थे ना, उनमें भी आता था। हाँ हाँ वाकई आप बिल्कुल सच कह रही हैं, है ये इतना प्यारा तो। अच्छा अब एक काम तो करें, मैंने तो आपको तस्वीर दे दी, अब जरा बेटी की तस्वीर भी तो हमें दें। आप बैठे, मैं भी लेके आती हूँ। सैमा, तुम्हारी होने वाली सास आई है और तुम यहाँ खड़ी हो। उनको धक्का देके घर से बाहर निकाल दो ताकि वापसी का रास्ता ही ना मिले। क्या बकवास कर रही है, अब ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अम्मा ने फैसला कर दिया है, जो रिश्ता मेरे लिए आया था वहाँ तुम्हारी शादी होगी। अम्मा से कह दो मुझसे जबरदस्ती ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये धमकी जाके अम्मा को खुद दो। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती हूँ यार, तुम बड़ी हो, मेरी मदद तो करो। कर लूंगी बाप, फिर आगे अम्मा की मर्जी। वैसे तस्वीर आ गई होगी, देख लेना, हो सकता है तुम्हारा दिल आ जाए। जब दिल ही नहीं मानता तो दिल आएगा कैसे। तस्वीर आ गई अम्मा? हाँ देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल हीरे जैसा। प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। तस्वीर देखेगी ना तो इनकार नहीं कर सकेगी। देखो। क्यों? ये क्या इनकार कर रही थी? नहीं ना अम्मा, डर रही थी कि पता नहीं दिखने में कैसा है, मोटा तो नहीं है। और अब अगर इसने नखरे किए ना तो सारी जिंदगी इस घर के दरवाजे की चौखट से बांध लूंगी। कोई शादी वादी नहीं करूंगी इसकी मैं। शादी का आप कब तक कह रहे हैं? अरे वो लोग तो, शर्म आ गई, वो लोग तो बिल्कुल तैयार है और उनका किसी किस्म का कोई मुतालबा भी नहीं है। ऐसे लोग कहीं मिलेंगे किसी को? क्या नाम क्या है इसका? जावेद अख्तर, शारजाह में होता है। पूरे 60,000 पाकिस्तानी रुपए तनख्वाह है उसकी। शादी के बाद रहमा को अपने साथ ले जाएगा ना? हाँ, वो बतूल तो कह रही थी कि आप रायमा का अभी से पासपोर्ट बना लें, शादी के बाद क्या पता वक्त ना मिले। चांद सूरज की जोड़ी है। अल्लाह मेरी बच्ची की भी नसीब बहुत अच्छे करे इंशाल्लाह। अम्मा पता नहीं मुझे किस वक्त जावेद के पल्ले भागेंगी। मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है, मैं किसी बहाने निकल के राजू से तो मिलूं। कहाँ की तैयारी है? अम्मा वो मैं बाजार जा रही थी टेलर से कपड़े लेने की। कपड़े? कौन से कपड़े? मैंने तो नहीं देखे। अम्मा अम्मा जाने दो ना। अरे तुम बहुत कैसी तुम्हारी जुबान चल रही है। लड़कियों का रिश्ता तय हो जाता है तो वो उदास हो जाती है कि माँ बाप से बिछड़ने का वक्त आ गया है, और तुम्हारी तो आंखों में भी चर्बी आ गई है और जुबान भी उस पर लगाम ही नहीं है। तुम बात कहीं की जुबान कैसे चल रही है। चलो ना चल चल। थोपा है। नाप दे दीजिएगा। तो कोई बात नहीं बहन भाई, जब नाप मिल गई तो उन्हें दर्जी के पास जाने की क्या जरूरत है। यह नाइमा घर पर नहीं है। नाइमा नहीं, रायमा, बड़ी साइमा है। असल में नाम ऐसे है कि याद ही नहीं रहते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब हमारी भाभी बन के आ जाएंगी ना तो फिर खुद ब खुद नाम याद हो जाएंगे। वो जावेद कब आ रहा है शारजा से? उसे आने में एक हफ्ता लगेगा शारजा से। तो मैं सोची थी कि अगर शादी से एक दो दिन पहले आ जाए तो हम उसे देख लें और उसे भी समझने का मौका मिल जाएगा। यही तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि असल में अगर वो जब आ जाए ना तो फौरन ही निकाह और रुखसती कर दी जाए। वलीमा का क्या है, धूमधाम से बाद में मना लेंगे। इस तरह से उसके पास आगे रहने के लिए भी वक्त मिल जाएगा। चले जैसे आप लोगों की मर्जी, अगर कुछ पहले आ जाता तो अच्छा था। मेरा भाई बड़ा फरमाबरदार है, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैंने तस्वीर भेज दी और उसे बहुत पसंद आई। और समझ लें मेरी पसंद उसकी पसंद, जो मैंने हाँ कर दी समझ लीजिए उसने हाँ कर दी। अल्लाह ने सबको ऐसे भाई दे। बस उसने मुझसे एक ही ख्वाहिश की थी कि लड़की प्यारी और कम उम्र हो, और आपकी बच्ची लगता है मेरे भाई जावेद के लिए ही बनी है। वैसे अल्लाह मियां दोनों को खुश रखे और अल्लाह करे कि दोनों खानदानों में सलूक इत्तफाक हो। आमीन। अच्छा बहन अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बहुत काम है, आपको भी बहुत काम होंगे ना। देखिए 3 दिन लगेगा उसके आने में, सारा काम मुझे ही करना है, सारी खरीदारी मुझसे ही है, मैं ही जाके करूंगी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अच्छा ये नाप ले लीजिए। हाँ चाय भी नहीं पी अपने बातों में। इस कदर खुशी है कि वो चाय पीना भी भूल गए। अच्छा जी आ जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या हो गया? शादी हो रही है तुम्हारी, कोई फांसी नहीं दे रहा है। यकीन जाना अगर मेरी शादी हो रही होती ना मैं तो लुड्डी डालती, खूब नाचती गाती। अम्मा कौन होती है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? ये फैसले माँ बाप ही करते हैं, मैं ये शादी हरगिज नहीं करने वाली हूँ। मगर क्यों रहा है माँ? क्या बुरा है? खूबसूरत लड़का है, कमाने वाला है, फिर भी एक बात पूछो, तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं। इतनी ताकत तो सिर्फ मोहब्बत देती है, दुनिया में फिर उसे कुछ नजर नहीं आता। मैं फिलहाल कुछ अर्से शादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा बात की बाद में देखेंगे, पहले तुम खाना खाओ। मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। तुम्हारे ऐसे मसलों की मेरी नींदें उड़ाती है। शारजाह से रिश्ता क्या आ गया? अम्मा तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं। रिश्ता शारजाह से आया हो या अमेरिका से? तुम इनकार कर दो। हाँ, मैं इनकार कैसे कर दूं? अम्मा मेरे टुकड़े कर देंगी। तुम अम्मा से ज्यादा डरती हो या मुझसे प्यार ज्यादा करती हो? प्यार तो तुमसे करती हूँ। बस तो फिर ठीक है, रिश्ते को दफा करो। तुम्हारा शारजाह, दुबई, अमेरिका, जीना मरना सब मेरे साथ है। हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का, लेकिन अम्मा। ये रायमा ने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? नहा रही है वो। कितनी दफा कहा है मैंने कि ये दरवाजे बंद करके मत नहाया करो। बाथरूम का दरवाजा बंद किया करो, कमरे के दरवाजे बंद करने के नहाने का क्या मतलब है? क्या तक का पता नहीं है आपको? अगर अम्मा ने पंगा किया ना तो तुम मेरे साथ भाग जाना। हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे पगली, प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या हुआ अम्मा? क्या है? मैं कह रही थी कि रायमा का दरवाजा खोल दें, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना करते। क्या उल्टा सीधा कर लेगी? हैं? क्या करेगी उल्टा सीधा? पंखे के साथ लटक जाएगी। लटकने दो, ऐसी औलाद का मर जाना ही अच्छा है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? कल परसों उसकी शादी हो रही है। मैं तो कह रही हूँ कि बतूल आंटी से बात करके कुछ दिनों की मोहलत ले लें। रायमा के साथ तुम्हारा भी दिमाग चल गया? अरे आज रात को जावेद फ्लाइट से आ रहा है, कल असर के वक्त उसका निकाह, और तुम कह रही हो कि टाइम ले लो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि जाते जाते उसका दिल साफ हो जाए। तुम उसका दिल साफ करती रहो, बल्कि सबसे धोती रहो, लेकिन एक बात उसको अच्छी तरह समझा देना कि उसकी अगर शादी होगी तो जावेद अख्तर के साथ, वरना मुझसे जान से मार दूंगी मैं। चलो उठो, हाथ मुंह धो, फ्रेश हो जाओ। मुझे नहीं करना कुछ। तुमने मुझसे भी छुपाया, मुझे भी बताती तो अम्मी के कान में बात डाल ही देती। मैं अपनी जिम्मेदारी पे दरवाजा खुलवाया मैंने। अम्मा तो कह रही है कि किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, कोई पार्लर शालर नहीं आना जाना, घर से दुल्हन बनाकर रुखसत कर दो। प्यारा तो है जावेद, इतना अच्छा है, क्यों खामखाम जिद कर रही हो? बोलो। अच्छा चलो उठो, हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाए। खाना लाऊं ना? चलो लाऊं। खैर से जावेद भी कराची पहुंच गया। कल असर के वक्त उसका निकाह रखा और मगरब के वक्त रुखसती कर देंगे। मोहल्ले वालों को तो बुलाना है ना अम्मा? हाँ हाँ बेटा, मोहल्ले वालों में से दो चार घरों को बुलाया है सिर्फ मर्दों को, और औरतों को वलीमे पे बुला देंगे। वलीमा तो दूल्हे वाले करते हैं ना? बेटा क्या करूं, एक तुम्हारे अब्बा की पेंशन और जो मैं सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ उसके पैसे, दो जगह तो नहीं कर सकते ना, तो मैंने इसलिए कह दिए कि वलीमे में हम भी हिस्सा डाल देंगे। बतूल को मैंने बताया है और हम सारे लोगों को बुला लेंगे। औरतों को कह दिया कि वलीमे में आप लोगों को बुलाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है ना बेटा? चलो मैं जरा देखूंगी, बाकी काम शाम देख लेते। तुम खाना बना लो तो आ जाओ। साइमा, जी अम्मा। अरे साइमा बेटा, वो सुनो तो सही। जी। घर साफ कर लिया तुमने? हाँ माँ, घर साफ कर लिया मैंने, बस थोड़ा सा फर्नीचर सेट करना है। अच्छा मर्दों को कहाँ बिठाना है? अरे बेटा ये चीजें इधर से उठा लेना, चारपाई वगैरह, और जो ड्राइंग रूम में सोफे पड़े ना वो यहाँ ला के रख देना, यहाँ मर्द बैठ जाएंगे। अच्छा हाँ, सुनो तो सही, वो रायमा पार्लर से कब आएगी? 5 बजे लाना है। अच्छा बेटा देखो 5 बजे याद से उसको ले आना, तो मुझे याद रहे ना रहे, कहीं बच्ची बेचारी उधर सड़ती ना रहे। मुझे याद है, मैं ले आऊंगी। अच्छा फिर जल्दी से कर लो, वक्त बहुत कम रह गया। और ये तुम अपने आप को कब चमकाओगी? बस ये सहन से आप कर लो, फिर जा रही हूँ नहाने। ओहो, इस वक्त भी लोगों को चैन नहीं है, काम करे बंदा या फोन सुने। हेलो। जी रामा आपकी की बेटी है? हाँ जी जी जी, मेरी बेटी है। तैयार हो गई? जी वो हाँ वो हाँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी अपनी बेटी को भेजती हूँ उसको लेने के लिए, वो तैयार है ना। आप मेरी बात तो सुने। हाँ बेटा जरा जल्दी बोलो, बहुत काम है मुझे। रायमा तो थोड़ी देर पहले किसी लड़के के साथ भाग गई है। क्या? हाँ, और इसने कहा था कि मेरे घर वालों को बता देना कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करें, मैं अपनी मर्जी से कहीं और शादी कर रही हूँ। अम्मा हमारे बगैर कभी रही नहीं है, तो रुखसती का सोचकर घबरा गई। जानती हूँ बेटा, ये हर माँ का मुकद्दर होता है कि बेटियों को पाल पोस के जवान करें और फिर दूसरे लोगों के हवाले कर दें। अच्छी वो बाहर लोगों को देखी, मैं उनको तैयार करके रखती हूँ। ठीक है बेटा, परेशान हूँ, मैं बाहर देखती हूँ, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी कर देना, पहले ही बहुत वक्त हो गया। ठीक है। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि कम लड़कियों से शादी बड़ी पायदार रहती है, इसीलिए मैंने बाजी से सिर्फ एक ही बात की थी, भले दो चार जमातें कम पड़ी हो मगर हो प्यारी और कम उम्र। कितनी गिर कितनी